वालेकुम, मैं हूँ एएसपी कायनात अज़र खान और आज हम मौजूद हैं सिप्स पुलिस स्टेशन सदर बैरूनी रावलपिंडी में। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में एफआईआर का इंदराज किस तरह से आसान बनाया गया है। सबसे पहले जब आप किसी थाने में दाखिल होंगे तो आपको एक ह्यूमैटिक मशीन नज़र आएगी और साथ में हमारा गाइड मौजूद होगा। गाइड आपको ये बताएगा कि आप इसके अंदर किस तरह से अपने एफआईआर के इंदराज के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आके अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के साथ ही आप एफआईआर के इंदराज टैब के ऊपर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जिसके बाद आप इंतज़ार कर सकते हैं। जेंट्स और लेडीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग वेटिंग रूम्स मौजूद हैं। अपनी बारी आने पर आपके फ्रंट डेस्क के ऊपर तशरीफ़ लेकर जाएंगे, जहाँ पे काउंटर पे हमारा फ्रंट डेस्क स्टाफ आपकी मदद के लिए मौजूद है। फ्रंट डेस्क स्टाफ को आप अपना टोकन नंबर देंगे और साथ में ही आप अपनी एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क स्टाफ को देंगे। वो एप्लीकेशन जब आप फ्रंट डेस्क स्टाफ को दे देंगे तो वो आपको उसके अगेंस्ट एक ई टैग नंबर इशू करेंगे। उस ई टैग नंबर के साथ साथ आपको एक तफ्तीशी अफसर का भी बताया जाएगा, जो आपकी दरख्वास्त के ऊपर ये डिटरमाइन करेगा कि आया इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं। अगर उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो 8 से 24 घंटे के अंदर अंदर एसएचओ साहब उसके ऊपर येस या हाँ लिखेंगे, और अगर नहीं दर्ज की जा सकती तो 8 से 24 घंटे के अंदर थाने के एसएचओ साहब उसके ऊपर नो या नहीं लिखेंगे। अगर तो आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप एफआईआर की कॉपी फ्रंट डेस्क से मौसूल कर सकते हैं। एफआईआर की कॉपी अगर आपको ज़रूरत हो तो पंजाब भर के किसी भी खिदमत मरकज़ से जाके भी मौसूल की जा सकती है। शुक्रिया।